दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 7 नवंबर 2023, तो साथियों भाई चरखी दादरी तो भिवानी अनाज मंडी में आ गए हाँ, और घूम फिर के देखांगे कि कुछ चल रहा है। तो भाई मेरी वीडियो पड़ेगी इतने तो टाइम हो जाएगा, और DAP खाद आ रही है भाई, ऐप डालिया में भी आ रही है, किसी भाई ने लेनी हो तो ले जियो भाई। कल भी ट्रक भरया खड़िया है, और साथ में भैया दिखा दें, एक किसान लिया था या नैनो यूरिया दें भाई 5 कट्टिया पर, एक एक आधार कार्ड पर कितना दें, 5 कट्टे, एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे दें हैं भाई। तो ये देख लो भाई, रेट इस पर है MRP 225 रुपये, एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे DAP के दें हैं, और 5 कट्टिया पर एक या नैनो यूरिया दें हैं भाई। तो किसी भाई ने DAP लेनी हो तो भाई एफ डाला पारी है, दूसरी दुकान पर भी आ रही है। अच्छा, और देखांगे एक बार मंडी में घूम फिर की के कुछ चल रहा है। तो भाई ये फ्लिपकार्ट वाले भाई, तो आजकल सब कुछ घर न आ गया है भाई, ऑर्डर करो और घर न दे जाए भाई। फिलहाल आजकल दुकाना में जाने की जरूरत को नहीं भाई, तो यो तो बढ़िया काम है भाई। जब उन तो सस्ते रेटा में जब अपना देख जो चीज़ घर न पहुँच गया तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो एक बार घूम फिर की देखांगे भाई, एफ डाले पर तो आ रही है, वो तो मैं भी देख के आधा ट्रक भी भरया खड़िया है। ये दूसरी दुकाना पर देखांगे कि कुछ सह भाई उन पा रही है कि नहीं आ रही। तो एक बार मंडी में घूम फिर की भाई बाज़ार भी देख लेंगे कि कुछ चल रहा है नरमा का। तो भाई नरमा ने तो भाई ब्रैन माटी ही कर रखी है किसाना की, बाबू तो कि मैं सह को नहीं ना नरमा लकड़ी भाई। और मैं कल भाई एक बात और कहूँ था दोस्तों भाई, भाई भाई मखासी सर की वीडियो बनावा है सरसम की भाई, वह सरसम कौन जामी भाई, सरसम तो जामी थी वह फिर आडन काट दी भाई, जिस टाइम किसान की आँख खुली भाई उस टाइम वह काटी पाई, किला खाली पाया, बोलिया भाई जामी को नहीं। मैंने जाके देखा हांड तो हुई भाई मेरी, तो बोलिया भाई मैंने तो इसी कही थी, दूसरा भाई बोलिया नू बोलिया उसमें तो जामे को नहीं रही भाई, कोई जाम भी रही थी, कोई जाम में भी थी, काटन भी लाग रहा था भाई। तो साथियों भाई कल की नुए हांड हुई, बीज ब्याज कोई ख़राब नहीं था भाई, जो यूनिवर्सिटी में तो बीज आया था वो बढ़िया बीज था, और भाई रोड़ा ही हो था, राम राम भाई। तो भाई आडा जो दौड़िया बोलते हैं हाँ, पा आडा बोलते हैं हाँ, वो उन्हें खा गया भाई, और खाण भी लाग रहा था। तो मन्ना तो यह राय दी भाई कि कई किसान साथियों तो बात हुई थी भाई, नबा की दोबारा बो दो और कोई इलाज को नहीं, लगभग यो इलाज था भाई, स्प्रे कई स्प्रे मारा, स्प्रे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं आओगा भाई, जब तक इतना कोई वो नहीं, एक बार जो बढ़ गया खेत में वो मच्छर तो वो नुए काटेगा भाई। तो ये दिखा दें गुवार भी आ रहा है भाई, वो और सरसम भी आ रही है, और नरमा देखांगे कि कुछ चल रही है। तो भाई एक बार सरसम का तोल होने लग रहा है, और एक बार किसाना से बात करांगे। तो भाई लगभग तुली शुरू हुई है, नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो मुलाकात तो करा अपनी काल हुई थी, परसों हुई थी, दो तारीख हुई थी जी, दोनों हुई थी हाँ जी। तो आज सरसम में ले रहे हो? सरसम ले आया हूं जी। अच्छा, के भाव बिकी? बिकी जी के भाव 5,080 जी। अच्छा, तो कितना के तेल? 38 लेप थी। तो क्यों मंदा है सरसम में? तो नरमा भी बिकी है कि मेरा डेरी नरमा तो छेड़ जी ना मालूम है बिकी है जी। अच्छा चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। DAP आ रही है जी, लेनी हो तो हाँ। अच्छा चलो बढ़िया बात है। अच्छा अच्छा, नैनो यूरिया दें साथ में? साथ में हाँ, साथ में नैनो यूरिया की 1 cc 5 कट्टिया पर जी। तो फिर ऊँ भाव बता दें भाई, के बताओ जी, बस लेनी पड़ेगी जरूरत से अपन है। तो एक बात बताओ, फिर यूरिया बंद कर दें फिर वह नैनो DAP के साथ? नहीं, मेरा कहने का मतलब यो है, यूरिया का काम करा है वह, तो फिर यूरिया के कट्टे बंद कर दें या देने लाग दें? के बताओ साहब जी, राय तो यूरिया होता है जी, और वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी यूरिया है जी, यूरिया का काम बढ़िया होता है जी। हाँ ठीक है जी। तो भाई कुछ किसान साथी भाई ने ठीक बतावे हैं, कुछ नैनो यूरिया ने बढ़िया नहीं बता दे,
तो भाई इस बारे में कमेंट करियो भाई, किसी भाई ने भाई यूज करी है। देखो मन्नत यूज करी को नहीं, मन्नत एक जगह देखी थी भाई, जड़ा इफ्पाड़ा ने स्टाल लगा रखी थी भाई, जिसमें एक किलो की वहाँ हमारे काम में, तो उसमें सार डाल की एक में भाई नैनो यूरिया मार रखी थी, एक में उसी यूरिया डाल रखी थी। तो भाई मन्नत तो कि मेरा रिजल्ट नहीं लग गया था भाई उस टाइम, और आप बताइए भाई आपने के रिजल्ट ला गया है। तो फिलहाल मन्नत तो आज मंडी में कि मैं सुना सुना लग गया है, नरमा कि मैं बेके नहीं रही दिख दी भाई, कोई तोले को नहीं दिखदा। लगभग भाई 1:39 हो गया, और भाई एक भाई किसान तो बात कर लिया, ये आराम फरमा रहे हैं। नमस्कार जी, के ले रहे थे जी? मैं कौन ले रहे ने? अच्छा, तो वैसे ट्रैक्टर ले गया रहे थे नाम तो तार खंभे लेना रहे हैं भाई, तार खंभे। हाँ तो लिया एक ले आओगे? ले आवांगे तार, तार ले आए बतो। तार के बाद दिया? तार तार दिया भाई, टाटा 120 है, उसा 90 रुपये। इतने रेट बढ़ गए? हाँ, टाटा का लिया है कौन सा लिया है? ना दूसरा बिना टाटा का। अच्छा, टाटा का 120 का दे हैं? टाटा का न्यू है। हाँ जी, एक भाई किसान तो और बात, इन तो और बात करांगे एक भाई, और ये एक बार देखा भी ना तो ऐवी है बहुत है, ये तो ऐवी तार है जमा तगड़ा है, मजबूत है। ये दिखा दे, नहीं इसमें मोटा में तो वजन भी ज्यादा है। वजन है तो फिर पीछे भी ज्यादा लगे। पीछे फलते लगे। एक बंडल कितना का पड़ा? मैंने बेरा नहीं शेट। अच्छा, 120 रुपए? 120 दिया है पर्ची में, बेरा पट्टा करा। हाँ, 120। अच्छा, तो भाई ये किसान है 120 रुपए किलो ले आए ना, टाटा का 120 रुपए किलो। तो भाई ये आप दूसरा ले आए हो तो वो के भाव पड़ा? यो 90 रुपए। मेरा तो एक राय है थोड़ी सी, जो टाटा का जिसमें जर कौन लग गया, अरे यो जल्दी जर खा जाएगा जो लोकल है। हाँ, मतलब जो भी कैन मा हुआ है टाटा का, तो टाटा का हुआ है। पांच साल हो लिए पूरी। अच्छा, यो है था बढ़िया, और मैं ले गया जर का कोई मतलब कोई। अच्छा, फिर चलो बढ़िया बात है यार। हाँ, नुए करके जब फिर लिया हूँ मैं। अच्छा, दो किलो पुणे चार लिया। हाँ जी, आगा डाले आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई टाटा का तार भी भाई पूरा महंगा हो गया, 120 रुपये भाई लोकल है। मैं भी पहले एक टाटा का लगा रखे थे भाई, डांगराली प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और भाई इसमें परेशानी है, किसान खंभे ने तारा ने भी मार दिया भाई फिलहाल तो, और रातू के तम पड़ा रहा है फसल होने दिन धीरे। तो यह एक सरचम भी तुलन लाग रही है, और कोई नरमाई डेरी पे की है जी आज? नरमा भाई 67-67 एक बार सेठ जी से बात कर रहे हैं। नमस्कार जी, राम राम। तो आज नरमा ऊपर में की है? नरमा 67-67 रुपये। 67-67 बढ़िया। और यह सरसम? सरसम 5,000 तो लेकर सब 52-52.5 के बाद। अच्छा, मंदा चल गया? मंदा है बाजार। ठीक है जी, ठीक। तो भाई देखो और तो देखाएंगे घूम फिर की के कुछ है भाई। सेठ जी तो 67-67 के बाजार बतावे हैं भाई, जो नरमा बेकरी ऊपर में बढ़िया टॉप क्वालिटी की। और भाई और तो वाई बात से भाई, जिसा माल उसे पीछे भाई, अड़वा माल अड़वे, और भाई नरमा अड़का अड़की क्वालिटी बहुत कम बेक है भाई। और घूम फिर लिया भाई, देख लिया। हाँ तो भाई पंडित जी तो भाव लेवांगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो सबसे पहले शुरुआत करांगे नरमा था, तो आज नरमा के किमें? पहले तो एक मन सुना सुना लगा, आज मंडी में कि मैं तोले नहीं चाल रहा नरमा का? हाँ, लिवाड़ कम है, हड़के माल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा। हाँ बढ़िया कपास 67-67 भी की है। 67-67 देसी कपास की बात करें तो देसी कपास का के बाजार चल रहा है? 7300-7400 रुपये। हाँ जी। और जो की बात करें तो जो का के बाजार चल रहा है? 1700-1800 रुपये। हाँ जी। और गेहूँ? गेहूँ है 2500-2500 रुपये। पहले तो मंदा आ गया गेहूँ। अच्छा, और सरसम का के बाजार चल रहा है? 5,000 से लेके 5,100-5,200 रुपए। हाँ जी, 5,300 बिक जाए ऊपर में। सरसम? सरसम भी बिल्कुल थोड़ी मंदी आएगी। अच्छा, और उसकी मेथी की बात करा तो? मेथी है 67-68 रुपए बढ़िया मेथी। अच्छा। हाँ जी। और मूंग की बात करा तो? मूंग तो याद है नहीं मांग तो। हाँ वैसे मूंग तो है 7,000 बिक जाए मूंग तो, 8,000-7,000 बेहतर से बिक जाए। गुआर बढ़िया, गुआर के बाजार है? 53,500 रुपए। हाँ जी बढ़िया गुआर। और भाई जो जो का के बाजार चल रहा है? दो ये 67-68 जो है। हाँ हाँ। और धान भी आना लग रहा है? धान है 43-44 रुपये ऊपर बिका है। हाँ 11-21 है, 43-44 रुपये का है।
और ये है 41-42 रुपये बिका है 17-18। और चना की बात करा तो चना तो ये बिका 5800-5900 6000 बिक जाए। हाँ जी 6000 तक। और ग्वार की बात करा तो ग्वार 53500 रुपये। हाँ जी 53500। और भाई खड़का के बाजार चल रहा है? खड़के है 3150 से लेके 3300-3350 रुपये तक है। हाँ कई तरह का खड़ा है। बंदोड़ा? बंदोड़ा ये 3400 से लेके 3400-3500-4000-4100 रुपये तक है। हाँ जी ठीक है जी पंडित जी धन्यवाद। तो भाई और देखांगे घूम फिर की। तो ये भाई नू कहें जी ले जाओ माड़ने भाई खरीद दे को नहीं। ये नू कहें जी सेठ जी आ जाओ ले जाओ फिर बेके नहीं रहा माड़ के बात है। एक बार किसान तो बात करांगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम के जी अपना? रामवीर। अच्छा गांव कौन सा है? पालवास। पालवास हमारे पड़ोसी हो। हाँ अच्छा के बाबे क्या है अपनी? 6500 गई। 6500। हाँ जी चलो ठीक है जी। तो एक बार या नरमा दिखा दे। हाँ क्या बजा हुआ फोटो इसका? या 6500 रुपये बेकी है भाई नरमा ये देख लो। ऊपर में 650-700 रुपये बेकी है भाई घना टोप का माल अड़के माल की। तो भाई लेवाड़ी ये बहुत कम है खराब मट्टी हो रही है। ये दिखा दें भाई वाह डेरी 6500 रुपये बेकी थी। और गेहूँ पंडित जी बताऊं दे भाई 2500-2500 के आसपास का बाजार चल रहा है भाई। पड़िए हैं ये भाई रोज देख देख की सुतरी देख देख की ले जाए हैं ना। तो भाई देखो ये पड़ी हैं व्यापारियाँ ही पड़ी हैं भाई को जमींदार की भी पड़ी हैं भाई। और ये दिखा दें आपने मंडी भरी पड़ी है भाई नरमा में। यो कहने का मतलब यो है और खरीद सहनी। ये दिखा दें माल भाई ये देखियो भाई कि मैं तो राम ने भाई यो कीड़ा खा गया। राम ने भी क्यों दोष देवा। तो एक डेरी या दाना ही तुलन लायक रही है। और भाई किसान तो बात करांगे एक बार के भाव पे क्या है? नमस्कार जी। 3400 भी क्या भाई? अच्छा 3400 कौन सा दान था? 17-18 कंपाइन का काट दिया। अच्छा कंपाइन। हाँ तो भाई 3400 रुपये। अच्छा अपना नाम क्या है जी? अशोक से भाई। गाँव खरक। 3400 पे क्या है? 17-18 दान से ये दिखा दें एक बार। खरक गांव का है कंबाइन का है भाई ये देख लो भाई। हरे दाने भी हैं तो और देखांगे भाई मंडी में। तो भाई आड़ा तोल चालन लायक रहा है। और ये दिखा दें आपने ये तोल होने लायक रहा भाई। एक आपकी है नरमा जी? किसान तब बात करांगे एक बार। नमस्कार जी। हेलो। अच्छा के भाव बेकी नरमा? 6400 रुपये। 6400 ठीक है जी। 6400 रुपये बेकी है भाई। यार नरमा दिखा दें आपने या नरमा भाई। ये भाई तोल चाल रहा है तो यो दिखा दें आपने। ये देख लो भाई 40 किलो का तोल है मणका। ये देख लो भाई तरीकत है भरा है हम हर इनका तरीका देख लो भाई। वह ये दिखा दें आपने ये देख लो भाई है इस बड़ा 40 किलो का पार्ट्स है भाई 20-20 किलो के दो भाई सही तोल करियो जमा। हाँ रोल नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये वाले आप देखांगे ये किसान इकट्ठे हो रहे हैं भाई। और हमारा गांव के भी आ रहे थे लेने DAP भाई। तो भाई एक बार पूछांगे DAP में लैग नहीं मिलती। तो एक बार एक किसान आराम फरमा रहे हैं भाई। तो के बात भाई कुछ DAP के बात है फिर कुछ ना मिलता क्या था? तड़के के बैठे हैं नंबर नहीं आ लिया। नंबर तो आदमी तो थोड़े से हैं ये दिखा दे। हाँ फिर भी ना आ लिया नंबर ईव लंच करके। अच्छा लंच हो गया। हाँ ईव लंच हो गया एक घंटा और बैठो ही। अच्छा हाँ तो DAP आज आ गई तो है 1000 रुपए का ये बताओ है। हाँ
ये दिखा दें भाई, फिलहाल लंच हो रहा है और ये भाई किसान लेट रहे हैं आराम। तो भाई बाहर देखा है, जब तक भाई लंच पूरा नहीं हो जाएगा तो रोटी टुका खाओगे भाई। तो किसे भाई ने डीएपी ले जानी हो तो भाई ले जियो, इफको पे भी आ रही है, एफ डाला पे भी आ रही है। तो साथियों भाई 103 नंबर दुकान पर भी आ रही है भाई डीएपी, एफ डाला पे भी आ रही है, इफको वाले पे भी आ रही है और भाई इस 103 नंबर दुकान पर भी आ रही है भाई। ये तीनों दुकान नई अनाज मंडी भी वाणी है भाई, भाई ट्रक भर के आ रहे हैं भाई दोनों तीनों दुकाना पे। किसे भाई ने ले जानी हो तो भाई ले जियो। तो साथियों भाई आपने बता दिया सरसम में मंदा है, 5200 के बाद 40 लैब के नॉन लैब 4700 रुपये भाई, और नरमा आड़ा 650-650 रुपये ऊपर में बेकी है भाई। हल्का तो भाई जिसा माल उसे पीछे। तो एक डेरिया बाजरे की भी आ रही थी आनंद ट्रेडिंग कंपनी की दुकान पर भाई, तो एक बार बाजरा बे क्या नहीं बेका, पहले एक बार बाजरा दिखा दें भाई। तो नाना बाजरा भाई ठीक से बाजरा ये देख लो, और एक यार डेरी नरमा की है। तो यार नरमा दिखा दें एक बार, और बाप पूछाएंगे भाई एक बार के बाबे की जी नरमा। अच्छा तो यार डेरी थी सम टॉप की, हाँ ऊपर की। तो भाई पूरी मंडी की, हाँ नमस्कार जी। ले बाबा ले, बैठ बैठ तू बैठ। नमस्कार जी, जो लगा ले सारे काम देख। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम के जी अपना? रामचंद्र जी। गांव कौन सा है? केतलाना जी। तो मई डेरी टो था ऊपर वाली ने, तो आड़े में ली है यहाँ। हाँ ऊपर के, ऊपर का भाव बिक रही है पूरी? हाँ ये 750 बिक रही है जी। मंडी का, मंडी मंडी का, मंडी के सबसे टॉप का भाव है। और बाजरा भी आप ले रहे हो? बाजरा तो कौन ले आया था? सरसम ले आया था जी, सरसम दे दी जी। सरसम में तो मंदा आ गया। हाँ सरसम में मंदा से जी, 5000 सरसम में मंदा से। और बाजरा ही बात करें तो बाजरा के भाव बिका जी? बाजरा बिकेगा 2170-2180 बिक जाएगा। अच्छा ठीक है, बाजार ठीक है जी, धन्यवाद। 5000 ऊपर में 750 नरमा, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। पांच तो भी नीचे को लेनी है भी कौन जी, कहीं तो इसी डेरी आ जाए। हमारी पड़ी है, बिकी नहीं है। हाँ जी। तो भैया 650-650 देखो, बुलबुल के बच्चे हैं भाई ये, बिल्कुल देख लियो आप, दिखा दें आपने भाई बढ़िया। 650-650 या ऊपर की डेरी थी भाई। तो साथियों, तो साथियों भाई फिलहाल भाई नरमा में भी मंदा है, और भाई सरसों में भी मंदा है, गेहूँ में भी मंदा है, और भाई गुआर के भी वही बात चल रहे हैं 5400-5500 का आसपास भाई, और बाजरा भाई 2200 का आसपास बेकन लाग रहा है, और जो की बात करा तो 1700-1850 का आसपास बेकन लाग रहा है, और भाई धान 4400-4500-1100-1100 की बात करा तो 4400-4500 का आसपास बेकन लाग रहा है भाई। और साथियों भाई डीएपी आ रही है तीनों दुकान, आप किसी भाई ने डीएपी ले जानी हो तो भाई डीएपी ले जियो कल भी, क्यों आज तो इतनी एक बार पता नहीं किसाना नहीं बह भाई उठे ना उठे, तो कल जरूर ले जियो भाई। तो वीडियो ना समाप्त करांगे, अपन इजाज़त दो भाई, नमस्कार।